नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट, मैं हूं आपके साथ हिना। बात करते हैं जल संकट की। जल संकट की समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं जो मात्र एक दिन में उत्पन्न हो गई हो, बल्कि धीरे धीरे उत्पन्न हुई इस समस्या ने आज विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे देश और प्रदेश में अब जल संकट मंडरा रहा है। वहीं समस्या ने आज भारत सहित विश्व के भी अनेक देशों को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में पानी का संकट, नहीं मिलेगा पीने का पानी, पानी के लिए होगा हाहाकार, सूख जाएगा भूजल। योगी सरकार ने बनाया नियम, पानी का दोहन हुआ तो जाना होगा जेल। देश में वातावरण बड़ी तेजी से दूषित हो रहा है, जिसका खासा असर प्रदेश पर पड़ने वाला है। जहां पहले सूखे की चपेट में बुंदेलखंड था, लेकिन अगर भूजल से ऐसे ही दोहन होता रहा तो प्रदेश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। पहले सिर्फ कुछ जिलों के साथ जून जुलाई के महीने में ये समस्या होती थी, मगर अब यही हाल रहा तो पूरे देश में जल संकट हो सकता है। वहीं सरकार ने बोरिंग को लेकर एक नया कानून बनाया है, जहां भूगर्भ जल के साथ किए जाने वाला खिलवाड़ लोगों को जेल की हवा भी खिला सकता है। सरकार ने कृषि और घरेलू उपयोग को छोड़कर अन्य सेक्टर के लिए भूजल दोहन के नियम को सख्त कर दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी में भूगर्भ जल का सबसे ज्यादा दोहन हो रहा है और खेतों में सिंचाई से लेकर घरेलू उपयोग और फैक्ट्रियों में भी भूगर्भ जल का ही सर्वाधिक इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में भूगर्भ जल का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। कि ये तो सच है कि जो परिस्थितियां हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से, हमारी ज़रूरतें बढ़ने से, हम जो है पानी का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं और ज़्यादातर शहरों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है। कुछ शहरों की स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही अलार्मिंग है, उसमें तत्काल प्रभाव से उस पर निर्णय लिए जाने की ज़रूरत है। वर्तमान में सरकार ने एक एक्ट लागू कर रहे हैं, जिसमें हम भूजल से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसका उसमें प्राविधान किया गया है, और उसके उल्लंघन करने पर उस पर दंड का भी प्राविधान किया गया। हालांकि इसमें सामान्य नागरिकों को, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर यूजर को इसमें अभी हमने टच नहीं किया है, ताकि इससे जो इंडस्ट्रीज हैं, बल्क यूजर्स हैं, उनके लिए हमने नियम बनाए हैं, न उसका पालन न करने पर इसमें दंड के प्राविधान भी किए जा रहे हैं। वर्तमान में सरकार इसके लिए प्रयासरत है, हमने राज्य भूजल संरक्षण मिशन भी चालू किया है, जिसमें जितने डार्क ब्लॉक हैं, जो ओवर एक्सप्लॉयटेड क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक हैं, और बुंदेलखंड विंध्यांचल को जोड़ते हुए इसमें हमने ये प्रयास किया है कि विभिन्न विभागों को जो धनराशि उपलब्ध है संचयन के माध्यम से, वो उन ब्लॉकों में उसको कंसंट्रेट करें, अपनी योजनाएं जो अन्य ब्लॉकों में हैं उससे हटा करके उस जनपद के उन विकास खंडों में ले आए, ताकि भूजल स्तर के को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने ही नया भूगर्भ जल अधिनियम लागू किया था, जहां प्रदेश में भूगर्भ जल वाले विकास खंडों की तादाद 600 से भी ज्यादा है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी हो गया था कि वे भूगर्भ जल दोहन के लिए सख्त कानून बनाए। इसके तहत अब किसी भी व्यक्ति या संस्था को भूगर्भ जल दोहन के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर जैसे जिलों में तो भूगर्भ जल का स्तर हर साल 2 से 4 मीटर के बीच कम होता देखा गया है, जिसको लेकर अब भूगर्भ जल नियामक एक संस्था होगी, जिसके अध्यक्ष और मुख्य सचिव होंगे, और ये संस्था प्रदेश स्तर पर भूगर्भ जल दोहन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। जो एक्ट हम प्रदेश में प्रथम बार लागू करने जा रहे हैं, अभी तक प्रदेश में कोई ऐसा नियमन नहीं था जिससे हम इस पर कंट्रोल किया जा सके। इस एक्ट के माध्यम से हम उन पे भी, जो बल्क यूज़र हैं, जो कॉमर्शियल यूज़र हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन पे हम लगाम लगाएंगे, और जो पानी की मात्रा होगी उसके हिसाब से उनको फीस भी देनी होगी, जिस ग्राउंड वाटर का जितना मात्रा का वो दोहन करेंगे। और बोरिंग करने के पहले परमिशन लेंगे हमसे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और उन विकास खंडों में जो हमारे डार्क, जिसको कहते हैं अति दोहित, तो क्रिटिकल श्रेणी के जो विकास खंड हैं, उसमें बोरिंग बंद हो जाएगी, उसमें कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। तो इससे मैं उम्मीद करता हूं कि इससे इनके दोहन पे लगाम भी लगेगी, और एक हम
दंडात्मक कार्रवाई इन पे करने के लिए हमारे पास एक सलूशन आ जाए। सजा के प्रावधान में क्या जेल रोल और इस सब पे? हाँ देखिए, इसमें चूंकि हमने अभी सामान्य नागरिकों को इससे बाहर रखा है, इसमें इंडस्ट्रियल बिना सजा के और अत्यधिक सजा का प्रावधान सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि इसकी गलती कोई ना करे इसके परिणाम से। इसमें हमने प्रथम अपराध के लिए 2 लाख से 5 लाख तक और 6 महीने से 1 साल तक का जेल का भी प्रावधान किया या दोनों, और इस गलती को दोबारा करने पे ये दंड दुगना हो जाएगा। इस एक्ट में हमने प्रदूषण से भी संबंधित प्रदूषण को गंभीर अपराध के रूप में रखा है, जिसके भूगर्भ जल को गंदा करने के लिए हमने इसमें दंड का प्रावधान 5 से 10 लाख रुपए तक का रखा है। जल ही जीवन है, मगर जब जल ही नहीं बचेगा तो जीवन कैसे संभव है? ये बात आज समझ नहीं आ रही, मगर हालात बार बार चेता कर रहे हैं कि अगर आज जल नहीं बचाया तो कल पीने को पानी कहां से आएगा। जी हां, धरती की कोख सूखती जा रही है, जहां पिछले 10 सालों में भूगर्भ जल स्तर 80 से 100 फीट तक नीचे जा चुका है, वहीं कई ब्लॉकों में ये लेवल 150 फीट से भी नीचे खिसक गया है। शहर से देहात तक बोरिंग होने के कुछ समय बाद ही फेल हो रही है। तालाब नहरों में भी पानी सिमट रहा है, जिसके चलते अब नदियां भी दम तोड़ने के कगार पर हैं। हालात वाटर इमरजेंसी का बार बार अलार्म बजा रहे हैं। भूगर्भ जल को लेकर लगातार सरकार संजीदा है। सरकार ने इसके लिए कठोर नीति बनाई है। माना ही जा रहा है कि अगर भूजल का दोहन ऐसे ही लगातार होता रहा तो कई जिले सीधे बुंदेलखंड की तरह हो जाएंगे, जिसमें आगरा, अलीगढ़ और तमाम ऐसे जिले हैं जिनमें लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है। सरकार ने इसके ऊपर ठोस कदम उठाते हुए कई कार्रवाई भी तय की है, जिसके अंदर सजा का प्रावधान भी है। ऐसे में देखना होगा कि सजा के इस प्रावधान के बाद भी क्या भूजल का दोहन कम होता है या फिर सरकार की बातें सिर्फ कोरी ही रह जाती हैं। कैमरा अंकित यादव के साथ रामनिज भट्ट, लाइव टुडे, लखनऊ।